नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यानल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज एक ने कमेंट किया कि सर, सप्ताह में दो या तीन क्लास ही लोग आज कराटे टीचर्स क्यों करवा रहे हैं? ज़्यादा तो सप्ताह में सात दिन ही करवाना चाहिए, तो क्यों कर रहे हैं? तो सप्ताह में सात दिन करना बहुत अच्छी बात है। इस बात को लेकर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं न्यू था, स्टार्ट किया था कराटे, मतलब सिखाना, एक जगह क्लास स्टार्ट किया मैंने, वहाँ पर क्लास स्टार्ट किया कि मंडे से लेकर संडे तक पूरा क्लास होगा, कंटिन्यू सात दिन ही क्लास होगा। बच्चे स्टार्टिंग में तो रेगुलर आ रहे थे, अब क्या हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आज नहीं जाएंगे तो कल तो जाना ही है, आज नहीं करते हैं, आज थक गए, रहने दो। बॉडी रिकवर नहीं हो रहा है बच्चे को, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बॉडी रिकवर भी नहीं हो रहा था उनका, क्योंकि वो लोग तो वैसे लेवल का टूर्नामेंट वगैरह या फिर कोई नेशनल चैंपियन या अच्छे प्लेयर अभी नहीं बने, नए नए हैं, स्टार्टिंग में हैं। तो जो नए बच्चे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनको धीरे 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 ही करवाना ठीक होगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सप्ताह में दो दिन। सप्ताह में जब दो दिन किया तो कोई भी बच्चा एबसेंट नहीं रहता था, लेकिन सात दिन में जब करवाते थे ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे एबसेंट रहते थे। आज समझो कि रामू नहीं आया तो कल सामू नहीं आया, परसों सामू आया तो टामू नहीं आया, मतलब ऐसे कोई ना कोई एबसेंट रहते थे। क्यों? क्योंकि वो लर्नर थे, अभी बेसिक सीख रहे हैं वो लोग, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे उन पर, हार्ड हो जा रहा था उनका, तो आज सर दर्द हो रहा है सर, कल पैर दर्द हो रहा है, ऐसे करके बहाना करके गायब हो जा रहे हैं। लेकिन जब दो दिन वाला में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब इंटरेस्ट जाग रहा है बच्चे में, अच्छा ट्रेनिंग करने लग रहा है, जब वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने लग रहा है, तब उन लोगों को हम लोग उनको अलग से उनका ट्रेनिंग का टाइम सेट करते हैं, उनको सात दिन ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिसमें एक दिन छोड़ दिया जाता है बॉडी रिकवर होने के लिए। अब जो लोग समझिए दो दिन कर रहे हैं, उसको उसमें भी टाइम का प्रॉब्लम है। क्यों? आज का जो मतलब माहौल बन गया है, बच्चों को पढ़ाई है, उनको चेस सीखना है, उनको डांस सीखना है, उनको गाना सीखना है, उनको कराटे सीखना है, हर एक चीज़, मतलब बच्चा सीख पाए ना पाए, लेकिन उस पर प्रेशर बना हुआ है कि उनको पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। उनके लिए दो ही दिन बहुत भारी पड़ जाता है। और जिनको जिन्होंने सोच लिया कि हमें अच्छा प्लेयर बनना है, उनके लिए टीचर भी एक अलग सा टाइम निकालते हैं, वो सात दिन का सात दिन उनको प्रैक्टिस करवाना है पूरा बढ़िया से रगड़ कर, ताकि वो जब जीत जाए, मेडल लेकर आए, तो टीचर का भी नाम होगा। तो इसलिए मेन कारण ये था कि बॉडी उन लोगों का आज लेने के लिए तैयार नहीं, शरीर ले नहीं रहा है उनको, दो दिन ही बहुत भारी पड़ रहा है बच्चे में। जब दो दिन करते करते दो महीना, चार महीना, छः महीना, साल भर अच्छे से जब बॉडी उसका लेने लगा, और वो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और उसमें देख रहे हैं कुछ निकलेगा उसमें से, तो उसको बुलाया जाता है कि आप अलग से ट्रेनिंग कर लो, छः दिन सात दिन उसका प्रैक्टिस करने से आपका शरीर में और जो किक पंच है, जो शरीर में प्रॉब्लम है, वो अच्छा होगा और किक पंच अच्छा निकल जाएगा। तो मेन रीज़न यही है कि उनका पढ़ाई है और अदर क्लासेस रहते हैं, वो सबको भी मैच करवाना है। अरे आप दो दिन का बात कर रहे थे, मुझे अभी याद आया कि कुछ बच्चे अभी रिसेंट में एडमिशन लिए, उनको तो एक दिन भी भारी पड़ रहा है, उनके पास इतना प्रेशर है पढ़ाई का, सर आज ये ट्यूशन है, सर आज वो क्लास है, लेकिन कराटे करना है सर, इसलिए सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, करवाने के लिए टीचर तो रेडी हैं, लेकिन करने के लिए बच्चे के लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, पढ़ाई का, डांस का, मैंने बताया ये सब बहुत प्रेशर, इस कारण से भी प्रॉब्लम होता है, किसी का शरीर भी नहीं लेता है। तो जैसा माहौल रहता है उस हिसाब से तैयारी करवाना पड़ता है, और कुछ नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है आजकल, अगर किसी के पास आप कर रहे हैं तो दो दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप अलग से घर में उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। मेरे सर मुझे जैसे सप्ताह में सात दिन ही प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन वो सुबह में करवाते थे और मैं शाम को, रात को जब मेरा टाइम मिलता था, दो घंटा तीन घंटा, मैं अलग से उसी चीज़ को रिपीट करते रहता था। वो मुझे 10-10 किक करवाते थे, 5-5 किक करवाते थे, या जो भी करवाते थे, मैं उसको 100 किक, 50 किक, ऐसे करके प्रैक्टिस करता रहता था।
तो वो चीज़ आपको करने से आपका भला होगा। आप सर जब आपको देखेंगे कि पंच साहब वाह अच्छा लड़का है भाई, इसका तो अच्छा था, आप सर के नज़र में आ जाएंगे और फिर आपको अलग से करवाया जाएगा। बस यही है, अगर आपको 2 दिन भी करवाया जाना तो अलग से आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ये मत देखिए कि वहाँ पर 7 दिन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही प्यार दे दीजिएगा। टाटा बाय ओस।